हेलो, मैं हूँ राम कैलाश वर्मा और हम आपको अगला टॉपिक जो है आज पढ़ाएंगे कौन सा, टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विटोरियल पॉइंट पर बताया है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के दोनों डेरिवेशन हो चुके हैं। अब आपको टॉर्क पढ़ना है और फिर उसके बाद जो है हम आपको इसके कुछ न्यूमेरिकल्स बताएंगे। तो सबसे पहले आज हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है। इस फिगर को देखिए, जो एरोज हैं, इन एरोज जो एरोज बनी हैं, इन एरोज के बीच की जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, हर एक पॉइंट बराबर मिलनी चाहिए। अगर मतलब यूनिफॉर्म दिखाना है तो, है ना, अगर आपने कहीं पर बहुत ही करीब करीब दिखा दिया, बहुत ही क्लोजेस्ट दिखा दिया और कहीं पर दूर कर दिया तो उसका मतलब डिफरेंट हो जाएगा, यूनिफॉर्म नहीं नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। अगर इसमें कहीं दिख रहा हो तो उसको ऐसा मत मानना, बराबर बना के चलना, क्योंकि हमने यूनिफॉर्म बनाया है, माना है कि यूनिफॉर्म ही है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है ये। अब डाइपोल की लेंथ 2L होती है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं कि जो ए बी है डाइपोल उसकी लेंथ कितनी, 2L। यहाँ पर हम ये कंसीडर करेंगे कि जो डाइपोल है वो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड से जो है थीटा एंगल पर प्लेस्ड है। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल थीटा इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विद द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। ये बात हम लिख देंगे। उसके बाद हमें करना क्या है, टॉर्क कैसे लगेगा इस पर। देखो यहाँ पर ये है F1 फोर्स, मतलब माइनस क्यू पर एक फोर्स लगेगा F1, तो F1 इक्वल्स टू माइनस क्यू ई, और F2 इक्वल्स टू प्लस क्यू ई पॉजिटिव पर। तो ये दोनों फोर्स ऐसे, मतलब डाइपोल है ये, एक ऐसे और एक ऐसे, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट क्या करेगा, रोटेट कराएगा, ठीक है। तो जब ये रोटेट कराएगा तो होगा क्या, मैंने कहा इस पे दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, यानी कि फोर्स ऑफ कपल फॉर्म कर रहे हैं। फोर्स ऑफ कपल क्या करेगा, टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, है ना। अगर फोर्स ऑफ कपल क्या, टॉर्क प्रोड्यूस कर दिया, तो हम टॉर्क के बारे में क्या जानते हैं, फोर्स, कोई एक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसमें फिगर में कहाँ से निकालेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो इसकी लेंथ डायपोल कितनी है, 2L है, ए बी कितना है, ए बी आपका 2L है। तो आप इसमें ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी साइन थीटा अप्लाई करो, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना, बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या, ए बी। तो बी सी कितना आ गया, ए बी साइन थीटा, मतलब बी सी मिला कितना, 2L साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें कितनी मिल गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें 2L साइन थीटा मिल गई, ठीक है ये। अब हम काम क्या करेंगे, इसको जैसा मैंने अभी बताया कि हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर डायपोल ए बी इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी मैंने बोल दिया, आप लिख लीजिएगा, है ना। देन टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द डायपोल F1 इक्वल टू माइनस क्यू एंड F2 इक्वल टू प्लस क्यू, दोनों क्या है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं ये। दीज इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस फॉर्म द फोर्स ऑफ कपल ड्यू टू विच प्रोड्यूसेस अ टॉर्क ऑन द डायपोल। ये बात आपको क्या करनी है, लिख लेनी है। तो हम जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, सीधे जो मैंने भी स्टेटमेंट बोले हैं इनको आपको क्या करना, लिख लेना, मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। अब यहां पर टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल इक्वल्स टू क्या, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। अब काम क्या करना है, आइदर फोर्स में चाहे मैं F1 कर लूं मैग्नीट्यूड में, चाहे F1 के ले लूं चाहे F2 कर रखूं, कोई एक फोर्स रखना है। तो हमने क्या किया, दोनों QE हैं, मैग्नीट्यूड में हमने रख दिया, ये दोनों QE हैं, बस शर्त कि हमको किस में रखना था, मैग्नीट्यूड में रखना है।
ठीक है, तो हम वहां पर क्या साइन नहीं कंसीडर करेंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, 12 साइन थीटा। तो टॉर्क टाउ इक्वल्स टू कितना हो गया, टॉर्क टाउ इक्वल्स टू हमें मिल गया यहां पर, इसको क्या करो क्यू इंटू टू एल कर लो और ये ई साइन थीटा कर लो। अब यहां पर होगा क्या, q इंटू टू एल इज p हो जाएगा, अब बहुत अच्छे से जानते हैं, और ये साइन थीटा, मतलब q इंटू टू एल इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट विच इज p एंड ये e और ये साइन थीटा। अब इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो वेक्टर यानी कि टाउ इक्वल्स टू पी क्रॉस ई। अच्छा, मैंने क्रॉस में क्यों लिखा, क्योंकि हम जानते हैं क्या, वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा है ना, इसलिए यहाँ पर इसको ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर यूनिट वेक्टर एन कैप भी आता है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट में हमने इसको लिख दिया, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड में लिखा था, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, टाउ इक्वल्स टू पी साइन थीटा, वेक्टर में लिखा टाउ इक्वल्स टू पी क्रॉस ई, है ना। तो ये हमें क्या मिल गया, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल। अब अगर इसमें स्पेशल केसेस लगाएंगे तो पहली चीज क्या, अगर क्या हो, अगर पी ई पैरेलल टू ई हो, दैट इज थीटा इक्वल्स टू जीरो। मैंने लिखा पी ई पैरेलल टू ई, मतलब अगर क्या हो, डाइपोल जो है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो एंगल कितना, जीरो। अगर एंगल जीरो तो टॉर्क कितना, जीरो। देन टॉर्क जीरो, क्योंकि साइन जीरो जीरो हो जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में डायपोल किस में होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि ये नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन डायपोल की, और उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर ऐसे आ गया तो मतलब क्या हो गया, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड हो गया। अगर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड हो गया तो डायपोल किस में होगा, इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, इन स्टेबल। ठीक है, इन दिस कंडीशन डायपोल will be in the stable equilibrium। ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट में क्या करेंगे, सेकेंड पॉइंट में अगर ये एंटी पैरेलल हो, या 90 कर लीजिए, अगर P परपेंडिकुलर टू E हो, ठीक है, यानी डायपोल की डायरेक्शन क्या हो, अगर P परपेंडिकुलर टू E हो, मतलब डायपोल U हो, इलेक्ट्रिक फील्ड U हो, तो थीटा इक्वल टू कितना, 90। टॉर्क इस कंडीशन में मैक्सिमम होगा, क्योंकि पी ई साइन 90, मतलब टाउ इक्वल्स टू पी ई, ये क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क होगा, मतलब ये फिर मिनिमम होगा। और अगर मैक्सिमम टॉर्क लगेगा तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं होगा, या ना अनस्टेबल होगा ना जो है स्टेबल होगा, दोनों नहीं होंगे, मतलब मैक्सिमम टॉर्क है, तुरंत ही इसको डायरेक्शन ऑफ फील्ड में घुमा के लाने की कोशिश करेगा ये टॉर्क। तीसरा, अगर ये डायपोल जो है, अगर डायपोल इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ई, दैट इज थीटा इक्वल्स टू 180, देन टाउ इक्वल्स टू कितना, पी ई साइन 180, साइन 180 ऑल्सो जीरो, P
क्योंकि साइन 90 प्लस 90 कॉस 90 और कॉस 90 जीरो, टॉर्क फिर से क्या गया जीरो, टॉर्क मिनिमम ही है, लेकिन इस कंडीशन में डायपोल क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, डायपोल विल बी इन द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये इतनी बातें हैं जो आपको टॉर्क में मिलती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।